हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 13 पार्ट 2। क्लास नंबर 13 पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसमें हमने टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में हमने समझने की कोशिश करी थी कि टाइप्स ऑफ प्लान होते क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने साथ के साथ ये पढ़ा था कि जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं उनकी कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जितने भी हमारे टाइप्स होते हैं उनकी कैटेगरी के बारे में हमने पढ़ा था, सिंगल स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान। तो दो कैटेगरी होती हैं जिसके अंदर हमें वो सारे टाइप्स ऑफ प्लान को डिवाइड करना होता है। तो वो हमने क्लास 13 पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था। अब क्लास 13 पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, जितने भी वो टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, जो टोटल नंबर 8 हैं, टोटल नंबर्स 8 में हैं, वो टाइप्स ऑफ प्लान 8 टाइप्स ऑफ प्लान हैं, उनको हम एक एक करके इस यहाँ पर केस वीडियो में केस स्टडी के ज़रिए उनको एक एक करके हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बिज़नेस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब वो प्लानिंग की जाती है तो कैसे कैसे वो अलग अलग टाइप्स बनते चले जाते हैं प्लानिंग के। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। तो एक पर्सन है मधु, जिसका नाम है मधु। उसने अपनी एक एजुकेशन पूरी की है फूड टेक्नोलॉजी में, उसने एक डिग्री ली है फूड टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें क्या सिखाया जाता है कि किस तरीके से जो नेचुरल वेजिटेबल्स, नेचुरल चीज़ें होती हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उनको किस तरीके से नेचुरली उनको यूज़ करके किस तरीके से कस्टमर के पास पहुंचाया जाता है विदाउट एडिड एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर और विदाउट एनी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन, सिंथेटिक प्रिजर्वेशन। तो उसने उसमें फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री ली है। तो उसने डिसाइड किया अपनी डिग्री लेने के बाद कि मैं एक ऐसा बिज़नेस शुरू करूँगी जिसमें मैं जितने भी नेचुरल चीज़ें होती हैं खाने पीने की, जितने भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, मैं उनका बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। डायरेक्ट फार्मर से उन सब चीज़ों को परचेज़ करूँगी, चाहे वो आपके वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, डायरेक्टली एग्रीकल्चर से, डायरेक्ट फार्मर से उनको परचेज़ करके डायरेक्ट अपने बिज़नेस में बनाने की कोशिश करूँगी। उसमें कोई सिंथेटिक प्रिजर्वेशन नहीं होगा, उसमें किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड होंगे। ऑर्गेनिक फूड का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली जैसे उनकी सिचुएशन फूड की होती है, वेजिटेबल और फ्रूट्स की, वैसे ही कस्टमर तक उनको पहुँचाया जाता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग। तो इस तरह का बिज़नेस उसने डिसाइड किया शुरू करने का। तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जो आपको ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के बारे में एक आइडिया देगा। ये देखिए, ये एक इमेज है जो ऑर्गेनिक फूड्स प्रोडक्ट के बारे में एक आइडिया दे रही है। जैसे इसमें ऑलिव ऑयल है, इसमें आपका ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल कोंदा के बारे में बताया गया है, इसमें चिप्स के बारे में बताया गया है, या ऑर्गेनिक मिल्क के बारे में बताया गया है कि डायरेक्ट इसमें जो मिल्क इस्तेमाल किया जा रहा है वो डायरेक्टली जो एग्रीकल्चर फील्ड से निकल के आया है, ठीक है। इसमें आपके चॉकलेट स्टिक्स के बारे में दिखाया गया है। तो दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर प्योरली ऑर्गेनिक। प्योरली ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो डायरेक्टली जैसे वो है एग्रीकल्चर से निकल के आए हैं, फार्मिंग से, वैसे ही आपको दिए जा रहे हैं। इसमें कोई एडिड फ्लेवर नहीं है, कोई सिंथेटिक प्रिजर्वेशन नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दे आर प्योर ऑर्गेनिक। तो उसने ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू किया स्टार्ट करना, और उसके बाद उसने अलग अलग स्टेप्स डिसाइड किए, अलग अलग उसने प्लानिंग करी है, अलग अलग उसने अपने स्टेप्स डिसाइड किए हैं, प्लानिंग करी है, जिसके बारे में हम अब आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर उसने डिसाइड किया कि पहले साल, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखना, उसने डिसाइड किया कि जो ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग बिजनेस वो शुरू करेगी, ठीक है, उसमें आपने इसमें जूस का एग्जांपल ले लेना, आप माइंड में क्लियर कर लेना कि उसने स्टार्ट किया कि वो एक ऑर्गेनिक फ्रूट जूस का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रही है, ठीक है, जो मार्केट में उसने सेल करने के लिए डिसाइड किया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप उसने क्या लिया, शी सेट्स एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न 10% ऑफ प्रॉफिट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर। उसने डिसाइड किया कि पहले साल वो जितना भी पैसा बिजनेस में लगाएगी उसका 10% वो प्रॉफिट जरूर कमाएगी। उसके बाद शी प्लान्ड दैट रॉ मटेरियल लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस विल बी परचेज ऑन 3 month क्रेडिट फ्रॉम द फार्मर कल्टिवेटिंग ऑर्गेनिक क्रॉप्स। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया, शी प्लान्ड दैट, कि जितना भी उसको जूस तैयार करने के लिए जो भी उसको फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की या स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्ट फार्मर से परचेज करेगी 3 months के क्रेडिट पर। 3 months के मतलब 3 months के क्रेडिट मतलब 3 महीने के उधार के हिसाब से वो खरीदेगी।
उसके बाद शी आल्सो प्लान टू फॉलो द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए उसने प्लानिंग की कि हम एक स्टेप्स कुछ स्टेप्स बनाएंगे, ठीक है, 4 या 5 स्टेप्स बनाएंगे जिसके ज़रिए हम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो उसने मार्केटिंग के लिए कुछ स्टेप्स डिसाइड किए। उसके बाद नंबर 4 पे है शी, लेफ्ट हैंड साइड में देखते जाना आप, नंबर 4 पे है शी अपॉइंटेड मोहन एज प्रोडक्शन मैनेजर। उसने एक पर्सन को अपॉइंट किया, मोहन, जो प्रोडक्शन मैनेजर था, हु डिसाइडेड द एग्जैक्ट मैनर इन विच प्रोडक्शन एक्टिविटी आर अंडरटेकन। और उसको बोला गया मोहन को कि आपने डिसाइड करना है कि कितने अच्छे तरीके से, कितने बेहतर तरीके से आप प्रोडक्शन को चला पाएंगे, कि प्रोडक्शन करते समय जो प्रोडक्शन आप करोगे तो कौन सा अच्छा तरीका होगा, एग्जैक्ट मैनर होगा काम करने का, वो आपने डिसाइड करना है मोहन ने। तो मोहन को अपॉइंट किया गया एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। उसके बाद मधु, जो कि कंपनी की ओनर है, ही इन्फॉर्म्ड मोहन, उसने मोहन को इन्फॉर्म किया अबाउट हर सेल्स टारगेट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एरियाज फॉर सेलिंग फॉर कवरिंग फॉर कमिंग क्वार्टर। इसमें थोड़ा नीचे की तरफ लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको रीड कर देता हूँ। मधु इन्फॉर्म्ड मोहन अबाउट हर सेल्स टारगेट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एरिया वाइज फॉर कवरिंग फॉर कमिंग क्वार्टर। मतलब आगे आने वाले 3 महीनों में उसने, मधु ने मोहन को कहा कि आप एक टारगेट सेट कीजिए, एक टारगेट सेल्स टारगेट बनाइए कि किस तरीके से आप अपने हमारे प्रोडक्ट को बनने के बाद, किस तरीके से बनाने के बाद उसे आप कैसे बेचेंगे। तो मधु ने मोहन को एक सेल्स टारगेट बनाने के लिए कहा कि आप एक स्टेटमेंट बनाइए और उसमें ये मेंशन कीजिए कि हमारा ये प्रोडक्ट बनने के बाद कहाँ और कितनी क्वांटिटी में सेल होगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स हो गए। अब हमने क्या करना है, इन स्टेप्स को ना एक एक करके प्लान से कनेक्टेड करना है कि वो कौन से टाइप का प्लान है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव की। तो आपने देखा कि मधु ने 10% प्रॉफिट का टारगेट बनाया कि 10% उसको प्रॉफिट एक साल के अंदर कवर करना है। तो 10% प्रॉफिट जो उसने डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, तो उसने प्लानिंग करके डिसाइड किया होगा। तो इसीलिए जो उसने अपना उद्देश्य बनाया 10% प्रॉफिट का, दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्लान कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्लान। मतलब ये प्लानिंग का एक टाइप है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो ये प्लानिंग का एक टाइप है। अब ये इस ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आर द एंड पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं, वो एंड पॉइंट्स होते हैं जहाँ आप, एंड पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आकर सारी एक्टिविटीज, सारे प्लान आपस में आके ख़त्म हो जाते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सबको अपने अंदर लेके चलता है, सारे बिजनेस के प्लानिंग को, सारे बिजनेस के प्लान के टाइप्स को और सारी एक्टिविटीज़ को। तो आखिर में जाके ऑब्जेक्टिव ही रह जाता है जिसे हमें अचीव करना होता है। मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका ख़त्म हुआ, समझ लीजिए जितना भी आपने ओवरऑल प्लान बनाए, ओवरऑल एक्टिविटीज़ डिसाइड की, वो सब कंप्लीट हो गई, वो सारी अचीव हो गई। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट जिसके आगे कुछ होता नहीं है। मतलब लास्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव ही होता है, उससे आगे जाके हमें कुछ नहीं करना होता। उसके अंदर रहकर हमें उससे रिलेटेड जो भी टास्क बनाने होते हैं वो हमें टास्क डिसाइड करने होते हैं, एंड विच आर एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। और जब हम ऑब्जेक्टिव कोई भी डिसाइड करते हैं तो हमें उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना होता है, दैट मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। और जो कि मैनेजमेंट ये चाहती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम उसे अचीव कर लें। तो यहाँ पर जो मैंने 10% ये मेंशन किया है रेड कलर से, इसका मतलब ये है कि जो 10% जो प्रॉफिट की बात की गई है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। और इस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने क्या की होगी, प्लानिंग की होगी, ठीक है। अगला है आपका शी प्लान दैट रॉ मटेरियल। उसने ये डिसाइड किया, उसने ये पॉलिसी बनाई कि जब भी रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, एक तो वो फार्मर से खरीदा जाएगा, डायरेक्ट खेतों से उठाया जाएगा सामान, रॉ मटेरियल, और प्लस 3 महीने के क्रेडिट पर उठाया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से हमें अचीव करना है, कैसे हमें उस काम को पूरा करना है, उसके लिए जब हम काम का तरीका ढूंढते हैं कि किस तरीके से हमें काम को पूरा करना है, तो वो पॉलिसी कहलाता है। तो पॉलिसी भी क्या होती है, प्लानिंग का एक पार्ट होती है। तो पॉलिसी क्या है, पॉलिसी इज़ अ जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है कि एक कॉमन गाइडलाइंस होती है जिसके आधार पर हमें आगे चल के अपनी एक्टिविटीज़ को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, हमें फर्दर एक्टिविटीज़ को पूरा करना होता है।
एंड दैट गाइड्स थिंकिंग, और जो हमारे आगे चलने, जो हमारे आगे जितने भी हमें डिसीजन लेने होते हैं उन डिसीजन को लेने में पॉलिसी हमें क्या करती है, गाइड करती है। इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग, ये क्या करती है, हमारे डिसीजन मेकिंग में यूनिफॉर्मिटी लेकर आती है। अब देखिए, हमें ये पता है कि भाई हमें जो रॉ मटेरियल ख़रीदना है वो किसानों से ख़रीदना है, डायरेक्ट खेतों से। इसका मतलब जब भी डिसीजन लिया जाएगा रॉ मटेरियल ख़रीदने का, तो जब भी कोई भी डिसीजन ले, चाहे मधु ले, चाहे मोहन ले, चाहे कोई और भी डिसीजन ले, सबके डिसीजन में क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी। क्योंकि सभी को पता है कि चाहे हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो हर कोई अपने अपने तरीके से नहीं ख़रीदेगा, सबको ये पता है कि ख़रीदना है तो सिर्फ फार्मर से ख़रीदना है, डायरेक्ट खेतों से। इसका मतलब पॉलिसी हमें क्या करती है, मदद करती है सभी मैनेजर्स की, सभी एम्प्लॉयज़ के डिसीजन में यूनिफॉर्मिटी लाने की। क्योंकि जो पॉलिसी बनाएगी सभी को उसी पॉलिसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसी दिशा निर्देश के हिसाब से काम करना पड़ेगा, जो पॉलिसी बन गई उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है काम में। अगला है, शी आल्सो प्लान टू फॉलो द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग प्रोडक्ट। उसने डिसाइड किया, मधु ने ये प्लानिंग की कि हम किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, हम पहले उसके स्टेप्स बना लेते हैं कि हम सबसे पहले टीवी पे एडवर्टीजमेंट देंगे, फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे, फिर हम घर घर जाके उस सामान के बारे में बताएंगे, एक सेमिनार रखेंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप्स कुछ स्टेप्स तैयार किए मार्केटिंग करने के लिए। तो जब भी किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए उसके स्टेप्स बनाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोसीजर। और प्रोसीजर भी क्या होता है, प्लानिंग का एक पार्ट होता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के प्रोसीजर भी नहीं बन सकता। तो प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स। जितने भी हमारे रूटीन में काम किए जाते हैं उन रूटीन वर्क्स का के काम को स्टेप वाइज करने में जो मदद करता है वो प्रोसीजर मदद करता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स। जितने भी प्रोसीजर्स के अंडर में जो स्टेप्स बनाए जाते हैं किसी एक्टिविटी के लिए, वो रूटीन स्टेप्स होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ आज के लिए वो स्टेप्स करने हैं, वो रेगुलरली पूरे ड्यूरिंग द ईयर वो जो स्टेप्स होते हैं वो चलते रहते हैं। अब मार्केटिंग के जो स्टेप्स बनाए जाएंगे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए, वो पूरे कंप्लीट होल ईयर के लिए बनाए जाते हैं। परफॉर्म्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, मान लीजिए आपने पांच स्टेप बनाए हैं किसी भी काम को करने के, तो पहला स्टेप कंप्लीट, उसके बाद दूसरे पे आ जाइए, उसके बाद तीसरे पे, उसके बाद चौथे पे, उसके बाद पांचवें पे। जैसा कि मैंने वीडियो नंबर आपके क्लास नंबर मैंने 13 में आपको बताया था कि अगर हमें अपने डेटर से कलेक्शन करनी है, पेमेंट की कलेक्शन करनी है, तो उसके चार स्टेप्स हैं। पहले हम मैसेज करेंगे, फिर कॉल करेंगे, फिर हम कॉल करने के बाद पर्सनली मिलने जाएंगे, अगर पैसे नहीं देता है फिर हम लीगल एक्शन लेंगे। इसका मतलब पहले स्टेप के बाद पूरा होने के बाद फिर दूसरे स्टेप पे आना है, दूसरा स्टेप पे काम आपका पूरा नहीं होता है तो तीसरे स्टेप पे आना है। तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर टू कैरी आउट एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमारे स्टेप्स बनाए जाते हैं और वो स्टेप्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में परफॉर्म किए जाते हैं। इट डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर ऑफ डूइंग अ टास्क। ठीक है, ये एक जो भी हमें काम करना होता है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है, काम करने की डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होती है कि किस तरीके से हमें काम को करना है। तो इट डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर, ये हमें डिटेल में बताता है कि एग्जैक्टली हमें काम को कैसे करना है, प्रोसीजर। उसके बाद उसने मोहन को अपॉइंट किया कि आपने ये देखना है कि जैसे कि प्रोडक्शन में जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन में काम कैसे होगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन में काम करने के कई तरीके होते हैं। मान लीजिए आपको प्रोडक्शन में, मान लीजिए आपको मशीनरी में रॉ मटेरियल डालना है, तो मशीनरी में रॉ मटेरियल हो सकता है कि आप मशीन के जरिए एक मशीन से दूसरी मशीन में डालें या लेबर से डलवाएँ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई काम करने का कौन सा तरीका बेहतर है। मान लीजिए एक काम को करने के तीन तरीके हैं, तो तीनों तरीकों में कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा वो आपको सेलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, मेथड। तो मेथड बेसिकली क्या होता है, इट प्रिस्क्राइब्ड द वे इन विच अ टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म। मतलब मेथड हमें क्या बताता है, किसी पर्टिकुलर एक एक्टिविटी को, किसी एक टास्क को हम कितने अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम उसे कर सकते हैं, ये मेथड हमें प्रिस्क्राइब करता है। मेथड हमें उसके बारे में एग्जैक्टली बताता है कि आप इस काम को ऐसे कीजिए तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मोहन को प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर इसीलिए अपॉइंट किया गया था ताकि मोहन ये डिसाइड कर पाए कि प्रोडक्शन में हमें काम को कितने अच्छे तरीके से करना है ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अचीव हो पाएँ। उसके बाद है, मधु इन्फॉर्म मोहन अबाउट हर सेल्स टारगेट। उसके बाद मधु ने मोहन को बोला कि आप एक सेल्स टारगेट बनाइए और उस सेल्स टारगेट में मुझे ये बताइए कि प्रोडक्शन करने के बाद वो सामान कैसे बनाया जाएगा और कैसे बनाया जाएगा और कहाँ कहाँ उसे बेचा जाएगा। तो आगे आने वाले 3 महीनों या 4 महीनों के लिए हमें काम को कैसे करना है उसकी तैयारी जब आप पहले से कर लेते हैं स्टेटमेंट बना के, तो उसे हम बजट बोलते हैं। तो बजट क्या होता है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। फ्यूचर में होने वाले काम के लिए जब आप पहले से एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बजट।
तो जो आपने सेल्स टारगेट बनाया वो क्या है बजट, इसी तरीके से पीछे जो अब आपने किसी भी काम को करने का एग्जैक्ट मैनर डिसाइड किया तो वो क्या है मेथड, जब आपने किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए उसके स्टेप्स बनाए तो वो क्या हो गया प्रोसीजर, और जब आपने किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसका काम करने का तरीका डिसाइड किया तो वो क्या कहलाएगी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिन पे जाकर सारे काम आकर रुक जाते हैं, जिनके जिस पॉइंट पे जाकर सारे काम आके पूरे ख़त्म हो जाते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है, जिसके अंडर में सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ प्लान हो गए जिसमें ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और मेथड और बजट के बारे में हमने पढ़ा है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका रूल। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर था मोहन, उसने क्या डिसाइड किया कि जब भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन चलेगा तो प्रोडक्शन करते समय कोई भी व्यक्ति बिना कैप के, बिना ग्लव्स के और बिना एप्रोन के प्रोडक्शन करने नहीं आएगा। तो इसका मतलब प्रोडक्शन करते समय सभी को एप्रोन, ग्लव्स और कैप और स्पेक्स लगाना ज़रूरी है, जो नहीं लगाएगा उसके ऊपर 100 रुपये का फाइन लगेगा। इसका मतलब ये सारी चीज़ें पहनना ज़रूरी है जो प्रोडक्शन करते समय चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ग्लव्स की, कैप्स की और स्पेक्स की। पहनोगे तो ठीक, नहीं पहनोगे तो 100 रुपये का फ़ाइन लगेगा। तो हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना, ये कहलाता है रूल। और रूल जो होता है हमारे किसी भी एक्टिविटी में डिसिप्लिन बनाए जाने के लिए किया जाता है। मान लो हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी लगातार कंटिन्यूसली प्रॉपर तरीके से होती रहे, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए रूल बनाए जाते हैं। तो रूल बेसिकली क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है दैट स्पेसिफाई क्लियर व्हाट इज़ टू बी डन और नॉट टू बी डन। एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें ये बताती है, क्लियरली बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, वो होता है रूल। तो रूल भी क्या होता है, एक प्लानिंग का एक पार्ट होता है, प्लान करके बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो जब ये सारा काम करने के लिए, जैसे आपका प्रोडक्शन का काम हो गया, मार्केटिंग का काम हो गया या आपका सेल्स बजट का काम हो गया, जो मधु ने डिसाइड किया, तो मधु ने इन सब चीज़ों के साथ साथ एक रिसर्च मैनेजर को भी अपॉइंट किया और उसको ये कहा कि आप मुझे एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के दें, स्टेटमेंट के ज़रिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के दें, जिसमें मेरे बिज़नेस को कभी भी डिमांड की, प्राइस की या डिस्ट्रीब्यूशन की कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है प्रोडक्ट का, मेरे जैसे प्रोडक्ट का, और किस तरीके से मार्केट में मेरे जैसे प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, कैसे लोग अपना सप्लाई कर रहे हैं, कैसे एडवर्टीजमेंट चल रही है, और कंपटीशन को कैसे मुझे हरा सकती हूँ। मुझे इन सब का एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के दोगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट बना के दोगे कि किस तरीके से मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊँ, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊँ, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी जो होती है वो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक पूरा भरपूर बड़ा प्लान होता है जो ऑब्जेक्टिव को कवर करता है, सुरक्षा देता है कि आपको किसी भी तरीके का मार्केट का फ्लक्चुएशन का नुकसान नहीं होगा। तो स्ट्रेटेजी के अंदर हम ऑब्जेक्टिव को हराने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव को अनसक्सेसफुल बनाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेटेजी उन अनसक्सेसफुल बनाने वाले फैक्टर्स को दूर करने की कोशिश करता है। तो स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होती है, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते समय जो ऑब्जेक्टिव को नुकसान पहुंचाने वाले फैक्टर्स होते हैं उनको ध्यान में रखने के लिए, जो ध्यान में रखकर जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो प्लान बनाया जाता है, उसे हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। और इसमें बेसिकली जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जो कॉम्पिटिशन हो गया, प्राइस हो गया, डिमांड हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करते समय, तो वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद मधु ने एक साल, अब यहाँ पर 8th पॉइंट में आप ये मान के चलना कि कंपनी को चले हुए 1 साल हो गया और 1 साल में मधु ने क्या किया, जो भी टारगेट था 10% प्रॉफिट का वो अचीव कर लिया। तो तकरीबन 1 साल के बाद, जब 1 साल हमारा सक्सेसफुल ईयर कंप्लीट हो गया, आफ्टर कंप्लीटिंग अ सक्सेसफुल ईयर, मधु प्लान फॉर ओपनिंग अ न्यू फैक्ट्री हाउस बाय कंस्ट्रक्टिंग इट। 8th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि मधु ने डिसाइड किया कि अब हमारी एक फैक्ट्री थी, अब हम एक फैक्ट्री और खड़ी करेंगे, सेम प्रोडक्ट सेम होगा लेकिन हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक फैक्ट्री हाउस और शुरू करेंगे। एक ज़मीन लेंगे, उस पर मशीन लगाएंगे, शेड लगाएंगे, ठीक है, उसमें जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो अरेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या किया मधु ने, एक प्लान बनाया, ठीक है। अब वो फैक्ट्री को, ज़मीन को लेने से लेकर फैक्ट्री को खड़े करने तक जो भी आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें एक बेसिकली क्या बनाना पड़ता है, प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो प्रोग्राम कह लो या बजट, प्रोजेक्ट कह लो, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट एक ही बात है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम परचेजिंग ऑफ लैंड एंड स्टैंडिंग ऑफ एंड एस्टेब्लिशिंग ऑफ फैक्ट्री, आप एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं
तो फैक्ट्री के ज़मीन से लेने तक और ज़मीन से लेने से लेकर फैक्ट्री को खड़ा करने तक जिन जो 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 आप काम करोगे, जैसे आपका फैक्ट्री को चलाने का, फैक्ट्री को खड़ा करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे पहले तो कि भाई आपका पर्पस क्या है फैक्ट्री को लगाने का, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, फिर आप फैक्ट्री को किस तरीके से बनाना है उसकी पॉलिसी बनाओगे, फिर किस किस तरीके से आपने क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तैयार करोगे, क्या आपने करना है क्या नहीं करना वो रूल बनाओगे, फिर बजट तैयार करोगे कितना पैसा लगाना है। इट मीन्स प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट एक ही बात होती है। तो जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और उस टाइम पीरियड में हम जब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी प्लानिंग करते हैं वो सारा क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम की ना खास बात होती है, ये एक आपका स्टैंडिंग सिंगल यूज्ड प्लान होता है। मतलब आपने फैक्ट्री बनाने का प्लान बनाया, तो जैसे ही फैक्ट्री शुरू होगी और फैक्ट्री बन के तैयार हो जाएगी तो समझ लीजिए जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, पॉलिसी है, प्लान है, रूल है, या आपका बजट है, प्रोसीजर है, वो सब वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा, वो प्लानिंग वहीं की वहीं एंड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो प्रोजेक्ट होता है ना वो बिज़नेस के एक सबऑर्डिनेट वर्किंग ऑपरेशन के लिए हेल्प करता है। जो कंपनी का मेन वर्किंग ऑपरेशन होता है उस प्रोजेक्ट जो होता है उसका एक सबऑर्डिनेट पार्ट होता है, ठीक है, तो जो कि हमारी मदद करता है हमारे मेन पार्ट मेन वर्किंग ऑपरेशन को पूरा करने में, ठीक है। तो ये थे आपके प्लानिंग के टाइप्स जो मैंने केस स्टडी के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है। तो क्लास नंबर 12 और क्लास नंबर 13 की जो वीडियो हैं इन दोनों वीडियो को आप एक के बाद एक देखने की कोशिश करें, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.